उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी ने आम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के दावे पर प्रतिक्रिया दी है। हरदा ने बीजेपी के 200 सीटों पर सिमटने का दावा किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब काफी ज्यादा तेज होती हुई बीजेपी ने 400 सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 200 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी, इस तरह का बयान दिया है हरीश रावत ने। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती हुई, मौसम भले ही ठंड का हो लेकिन चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती हुई। जो रावण का घमंड था उसी ने रावण का पतन किया था। ये भाजपा रूपी जो रावण है इसका घमंड 400 के पार की बात कर रहा है, तो इनके घमंड को मिट्टी में मिलाइए, इनको 200 से नीचे लाइए।